सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक 2011 से लेकर 2022 तक पूछा इस वीडियो में डाल दिए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देख लीजिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को अनुभव हो जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप लोग से 2023 में पूछेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए 2021 में पूछा हुआ, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बताइए कौन सी संधि हुई थी 1871 में कौन सी संधि हुई थी 2021 में, देखिए पूछा हुआ है। चलिए पहला का आंसर क्या हुआ कमेंट बॉक्स बता दीजिए आप लोग। चलिए दूसरा से बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस में कैसा शासन स्थापित हुआ था 2021 में, देखिए भी पूछा हुआ है। चलिए आप लोग इसका आंसर दूसरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आंसर नहीं बताएं, सभी लोग अपना अपना आंसर बताइएगा। तीसरा प्राय ये कार्य, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था 2021 में, देखिए पूछा हुआ, जल्दी से बता दी क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैंक फंड की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंक फर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, देखिए 2021 में भी पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पाँचवा नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इंग्लैंड के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है 2021 में, देखिए भी पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा निम्न में कौन था, देखिए भी 21 में पूछा हुआ है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, निम्न में कौन था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था 2021 में, देखिए पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फ्रैंकफर्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, देखिए 2020 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि काउंट काबुर को विक्टर इनामुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबुर को विक्टर इनामुअल ने किस पद पर नियुक्ति कर दिया था, देखिए 2020 में 2022 में पूछा हुआ है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था 2021 2011 2017 2020 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, करा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, देखिए 2019 से पूछा हुआ है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कर अंग यूरोप का स्थापना कौन था, अंग यूरोप का संस्थापक कौन था 2019 से पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, टीपू सुल्तान शासक थे, बताइए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, देखिए 2019 से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, कि कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था, देखिए 2018 में पूछा हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की ओर, गरिवाल्डी पेशे से क्या था, गरिवाल्डी पेशे से क्या था 2014 2019 पूछा हुआ है। चलिए आप लोग आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की ओर, जर्मन राज का निर्माण किसने किया, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था, देखिए 2014 में 16 में 18 को जो 22 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था 2015 में पूछा हुआ है। चलिए आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 18 की ओर, करा इटली के एकीकरण ने निम्न में से किसका योगदान किसके योगदान किया था, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था 2022 में, देखिए पूछा हुआ है। चलिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट से बताइए। 2019 में ये वीना सम्मेलन कब हुआ था देखिए 2022 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करा जालवेरिन संबंधित था, बताइए जालवेरिन जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, जालवेरिन संबंधित था किससे संबंधित था 2022 में पूछा हुआ है। जेनेवा संधि कब हुआ था, बताइए जेनेवा संधि कब हुई थी, देखिए ये भी 2022 में पूछा हुआ है।
चलिए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कौन सा विषय पर चाहते हैं क्वेश्चन बैंक कि अभी तक पूछा हुआ है उसको आप लोग कमेंट से बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।